हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आज हम करेंगे आपके भ्रम को दूर। तो आप सोच रहे होंगे भ्रम क्या, तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा कि दो प्लेट में ऐसे बर्फ़ के टुकड़े लेंगे। देखिए, टुकड़ा कह लीजिए बड़ा वाला, ये दोनों लेंगे, एक इस प्लेट में और एक ए वाली प्लेट में। दोनों में एक टुकड़ा डाल लेंगे और एक के ऊपर नमक डालेंगे और दूसरे के ऊपर कुछ नहीं डालेंगे और फिर देखते हैं कि कौन सी बर्फ़ जल्दी गलेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नमक वाली बर्फ़ धीरे गलेगी, लेकिन जो होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सी वीडियो ऐसी आएंगी जिनमें नमक डालने पर बर्फ़ जल्दी गल जाती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और कई ऐसी भी वीडियो आएंगी जिसमें नमक डालने पर बर्फ़ धीरे धीरे गलती है। तो जो होगा आपके सामने होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज हम इसी का टेस्ट करेंगे आपकी आँखों के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आगे चल के इससे और भी धमाकेदार वीडियो लाएंगे। दोस्तों एक गलती हो गई, ये क्या है, ये देखिए चिपक गया है, मतलब छूट नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश कर ली, पहले इसको गला लेते हैं फिर उसके बाद हम वीडियो को फिर से स्टार्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, तो देखिए हमने ये बर्फ़ के टुकड़े हैं उनको देखिए निकाल लिया, ये देखिए इसमें से निकाल लिया और उसमें से निकाल लिया। ये छोटे इसलिए हुए क्योंकि लाट चली गई थी, तो हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा। तो आप देख सकते हैं, मैंने देखिए तोलने के लिए दोनों टुकड़ों को एक कांटा ले लिया, मैंने इसके नीचे चुंबक चिपका दिया क्योंकि पलवा नहीं था, तो हमें दूसरा बनाना पड़ा। ये देखिए दोनों बराबर में, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बराबर है। और उसमें डालेंगे बर्फ़ और फिर मैं आपके सामने चेक करवा देता हूँ भाई, क्या आप लोगों को विश्वास है, दोनों देखिए बराबर है। मतलब इसमें देखिए थोड़ा पानी अगर वो निकाल दूंगा तो बराबर हो जाएगा। ये देखिए बराबर आ रहा है, थोड़ा सा अंतर है, एक दो ग्राम का, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अंतर नहीं है, दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को धर लेते हैं नीचे। देखिए इन प्लेट्स में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसको हम धर देते हैं नीचे। दोस्तों देखिए हमने उनको धर दिया नीचे, अब हमारे पास है एक बर्फ़ का टुकड़ा ए वाला और एक है ए वाला। पहले प्लेट ले लेते हैं। दोस्तों देखिए हमने ये वाली प्लेट ले ली है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर डाल लेंगे। देखिए खाली है टोटल, बिल्कुल एक ए वाली हो गई और ठीक है, देखिए बिल्कुल एक ए वाली हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक के अंदर डाल देंगे नमक और दूसरे में बिल्कुल नमक डालेंगे और फिर देखते हैं कि कौन सी जल्दी गलती है। देखिए ये रहा हमारे पास नमक, बास्का सॉल्ट, हमारे टाटा ज़्यादा चलता नहीं इस चक्कर में, बास्कर नहीं, आप लोग बोलेंगे कमेंट में बास्कर बास्कर नहीं, टाटा टाटा। देखिए मैंने डाल दिया था नमक नमक, अब हम देखते हैं कि मतलब गलेगा कौन सा जल्दी। तो हो सकता है इसको गलने में एक दो घंटा आराम से लगेगा, नॉर्मल सी बात है, बहुत मोटी बर्फ़ है, तो हम वेट करेंगे। दोस्तों देखिए अभी हम क्या है, आधे घंटे रुकते हैं, उसके बाद हम आपको क्लिप दिखाएंगे, आधे घंटे का वेट करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ टाइम मोबाइल पर, ये देखिए अभी देखिए 3:32 हो रहे हैं, मतलब 4 बजे देखेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों आपको साथ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं रुकिए मैं आपको एक बार इसको नीचे रख के बताता हूँ। इसमें क्या है ना, ये बर्फ़ है ना वो मतलब इसमें जो नमक डाला है ना वो क्या जमने लगा अभी फिलहाल यहाँ पर। देखिए मैं आपको एक चम्मच की मदद से करके दिखाता हूँ, मस्त तो यहाँ नहीं है भाई। देखिए ये आ नहीं रहा है, देखिए नमक खिसक नहीं रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल खिसक नहीं रहा है, मतलब वहीं जम के रहेगा बिल्कुल ही, बिल्कुल कड़क पन की तरह। ये देखिए ये तो नॉर्मली गल रही थी, वैसे गली रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 4 बजे खोलेंगे, मतलब 4 बजे देखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, ये देखिए आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ देखिए यहाँ पर दरारें भी हैं इसके अंदर, देखिए फोकस दरार है। वैसे देखिए मैं अगर पीछे बताऊँ तो ये देखिए नॉर्मल, ये देखो ये है इसका, ये देखिए ये मतलब ये बिल्कुल बेस्ट चिकना है, और यहाँ साइड में दरारें आ गई हैं। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं, अभी 4 बजे खोलेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी बर्फ़ कितनी गल गई है। तो पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ, ये देखिए अभी पूरे 4:23 हो रहे हैं, 23 मिनट में लेट हो चुका हूँ, वो देख ठीक है, क्योंकि मम्मी बुला रही थी नहीं ज़्यादा तो चप्पलें पड़ती हैं। आप देख सकते हैं 4:23 हो चुके हैं, 23 मिनट हम लेट हैं, तो आपको करीब करीब 50 मिनट हो चुके हैं इस बर्फ़ को पिघलते। तो अभी हम इनको तोड़ कर देखेंगे किस में कितनी बर्फ़ बची है, नमक वाली में ज़्यादा है या सिंपल में ज़्यादा है। ये देखिए हमारा जुगाड़ू कांटा, ये देखिए अब आप देख सकते हैं इसमें है इतनी बर्फ़। देखिए मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए एक साइड मैंने रख दी ये वाली, आप पहले आप कांटा देख लीजिए, कांटा दी बराबर है देख दोनों का, नहीं आप बाद में कुछ कहें। ये देखिए इसमें क्या है, आप अगर देखेंगे ना गौर से, ये देखिए इसमें क्या मतलब कुछ उखड़ के बाहर आ गया है और बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र से हो गए हैं सब जगह, और ये जो नमक है ना बिल्कुल जम गया है इसकी सतह पर, बिल्कुल अच्छे तरीके से जम चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे इसी का मिश्रण हो। और देखिए अब हम इसको उठाते हैं सिंपल वाली, सुना तो मैंने ये भी यही था कि नमक वाली धीरे धीरे गलती है, पर यहाँ देखिए यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये भारी है। तो देखिए हम बाहर रखते 50 ग्राम का, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए 50 ग्राम का बांट है, इसमें अंतर करके 50 ग्राम का, तो आप सोच समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है, और वो भी मतलब जिसमें हमने नमक डाला है वो कम है 50 ग्राम, और ये देखिए जिसपे हमने नमक नहीं डाला है वो 50 ग्राम ज़्यादा है। तो ये किस वजह से हो रहा है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो बताया जा रहा है उससे कितना अलग है, आप देखिए खुद देखिए। तो अब हम इसको 1 घंटे बाद चेक करेंगे कि क्या होता है, मतलब कौन सा जल्दी बचाती है कौन सी धीरे बचती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, ये देखिए इसमें देखिए मतलब छोटे छोटे छिद्र हो चुके हैं, देखिए अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, ये देखिए आर पार दिख रहा है बिल्कुल ही, अगर आप देखेंगे ना, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें से पानी निकाल के, इसमें से देखिए
देखिए आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा, आर पार बिल्कुल आर पार दिख रहा है, देखिए बिल्कुल छान चुका है नमक उसको अंदर तक, और ये जम चुका है बिल्कुल जैसे कि इसी का कोई वो पार्ट, देखिए बिल्कुल और जम चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए ये गिर भी गया, देखिए नमक है, मैं खा नहीं सकता बहुत ज़्यादा है। और देखिए आपको नॉर्मल वाला दिखाता हूँ, पहले हम इसको धर देते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये रहा नॉर्मल वाला, देखा बिल्कुल मतलब मोटा है, ये तो कुछ वो वाला तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये देखिए अब देखेंगे अच्छे तरीके जमा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके जमा हुआ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा है, इसमें कुछ छिद्र वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके जमा हुआ है। दोस्तों अब हम आधे घंटे में चेक करेंगे कि क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमें आधा घंटा हो गया है, हमने करीब करीब 4:35 पे रखा था, तो अभी देखिए 5:06 हो चुके हैं, तो अभी हमें आधा घंटा हो चुका है, और इस बर्फ़ को रखे रखे करीब करीब 1.5 घंटा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी कितनी बर्फ़ इसमें बची है, तो देखिए अभी हम इसको तोलते हैं एक बार और लास्ट बार, देखिए ये बचा है इसमें से इतना बचा, देखिए इतना मोटा है अगर आप देखेंगे तो, इसमें फिर भी ज़्यादा बचा है, और यहाँ देखिए बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर बचा हुआ है अगर आप देखेंगे तो, बिल्कुल गल चुका है, देखिए खोखला हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए इतना बचा है। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है, करीब करीब 100 ग्राम का अंतर है, करीब करीब 100 ग्राम से करीब करीब 10 ग्राम कम हुआ, तो मान लो कि 90 ग्राम का अंतर आ गया इन दोनों के अंदर। तो ऐसा किस लिए होता है? वैसे आपने ज़्यादा सुना होगा कि नमक डालने से क्या बर्फ कमी रहती है, मतलब जल्दी गलती नहीं है, तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। तो इसका कारण ये है कि बर्फ में जब हम नमक मिला देते हैं तो बर्फ का गलनांक होता है ना वो तो कम हो जाता है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का कम हो जाता है, लेकिन जो भारी वातावरण होता है बाहर का वातावरण, तो इसका जो तापमान या तापक्रम वो अधिक ही रहता है, और जिस वजह से बर्फ के गलने की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं जब हमने बर्फ़ में नमक नहीं डाला था तो थोड़ा बहुत अंतर था, तो वो धीरे धीरे गला रही थी, जैसे ही हमने नमक डाला तो उसका इसका तापमान क्या गलना मेल्टिंग पॉइंट वो कम हो गया, तो उस वजह से वो और ज़्यादा तेज़ी से बर्फ़ को गलाने लगती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बर्फ़ यहाँ पर जल्दी क्यों गल रही है नमक डालने पर। ज़्यादातर हमने सुन यही रखा है कि नमक डालने पर बर्फ धीरे धीरे गलती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ और जगह सही हो सकती है, पर यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है, और जैसे देखते कितना सारा पानी बन चुका है अगर आप देखें तो। दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपने देख लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आगे चल के इससे और दिमाग एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते रहेंगे।